गांव में गांव पहुंचे बेटी दामाद पर मायके वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि लव मैरिज करने के बाद वह अपने पति के साथ घर पहुंची थी, जहां उसके परिजनों ने दोनों पर फावड़े और डंडे से हमला कर दिया। वही थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित पति पत्नी ने SP से मामले की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि अजगर थाना क्षेत्र के ग्राम सवरा की रहने वाली अनीता ने 3 साल पहले गांव के ही रहने वाले जैकी कश्यप से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद से दंपत्ति के परिजन उनसे नाराज चल रहे थे। बाद में दोनों पक्षों ने साल 2020 में लिखित समझौता भी कर लिया था। समझौते के बाद से दंपत्ति उन्नाव के शहर में किराए के मकान में रहने लगे। कुछ दिनों बाद दंपत्ति की आर्थिक हालत खराब होने लगी। अनीता ने आरोप लगाया कि वह जब अपने पति के साथ ससुराल रहने के लिए पहुंची तो ससुराल वालों ने मना कर दिया, जिसके बाद अनीता ने मायके वालों से फ़ोन पर घर आने की बात कही, जिस पर मायके वालों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर फ़ोन काट दिया। अनीता ने बताया कि हमारी लव मैरिज शादी थी और मेरे पिता का कहना था कि हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे तुम जैसे रहो। तो हमारे परिवार वाले रास्ते में इनको जान से मारने की धमकी देते थे। शिकायत करने पर चौकी से हमें वापस कर दिया जाता था और पुलिसकर्मी मदद ना करने पर भगा देते थे। उनका कहना था कि अगर लड़ाई झगड़ा होगा तभी मुकदमा लिखेंगे। बुधवार को जब हम अपने गांव गए तो हमारी मम्मी ने हमारी बच्ची को छीना और फावड़े से मारने की कोशिश की, साथ ही सभी लोगों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पति जैकी ने बताया कि हमने कोर्ट मैरिज की थी, 3 साल बाद बीते दिन गांव गए थे तो मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे साले ने मिलकर हम लोगों को बहुत पीटा। वहीं SP दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि कार्यवाही के लिए इंस्पेक्टर अजगर को निर्देशित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।